तो जिस नीट पर सवाल पूछने की बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, अब उसी पर बात कर लेते हैं कि नीट के सौदागर कितने हैं और धांधली कैसे हुई है। का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का, ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है। जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। तो सुना आपने, आरजेडी के नेता यानी कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की है हम उनको छोड़ेंगे थोड़ी। वहीं विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीए ही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है, बिहार से लेकर झारखंड तक जो कनेक्शन सामने आ रहा है उसमें सीधे सीधे तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम का हाथ है और इसीलिए आज प्रीतम से पूछताछ की भी जा रही है। अब कैसे देश में नया कानून लागू किया गया है ये भी आपको बता देती हूँ। पेपर लीक मामले में अपडेट क्या है, देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया है, कल देर रात ये फैसला लिया गया और कानून दबीजे लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। नीट मामले में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब तक क्या हुआ इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये आपको बता रही हूं। शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है और बिहार ईओयू ने एचआरडी को रिपोर्ट भी सौंप दी है। ईओयू की रिपोर्ट में कई सबूत दिए गए हैं और उसी सबूत के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी के पीएस को ईओयू का नोटिस, यानी प्रीतम जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया, नीट मामले में प्रीतम से अब पूछताछ होगी और तैयारी आज ही पूछताछ की गई है। झारखंड के देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें एक आरोपी सिंटू को पटना लाया गया है क्योंकि उसे देवघर में गिरफ्तार किया गया और पटना में उसे पूछताछ के लिए लाया गया है। ये पूरा अपडेट इस मामले में। इसी पर पूरी जानकारी के लिए अनूप का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त नालंदा से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, आपने आज सुबह संजीव मुखिया के परिवार से भी बात की, वो ये कह रहे हैं हम सीधे साधे लोग हैं और राजनीति के चलते हमको फंसाया जा रहा है। क्या ये मामला ऐसा नहीं लग रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है जैसे सच्चाई सामने ना आए? देखिए अनामिका, ये बात सही है कि वो आरोप लगा रहे हैं लेकिन इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। ईओयू बिना कुछ बोले एक्शन ले रहा है, काम कर रहा है। आपने देखे गिरफ्तारियां कितनी तेजी से हो रही है। प्रीतम को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया गया है, झारखंड से 6 गिरफ्तारियां, देवघर से हो गए, देवीपुर से, और उसके बाद अभी ईओयू जो है अब पूछताछ भी कर रही है, जिसे सिंटू को लाएगा उससे पूछताछ की जा रही है। राजनीति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले विजय सिन्हा ने वो रिकॉर्ड दिखाया, रिपोर्ट दिखाया जिसमें बातचीत का खुलासा हुआ कि प्रीतम ने फोन करके एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक कराया। उसके बाद आरजेडी की तरफ से एक फोटो साझा की गई जिसमें सम्राट चौधरी और अमित आनंद का फोटो था। अब तेजस्वी यादव साफ कर रहे हैं कि अगर इस मामले पर पूरी तरह से छानबीन नहीं हुई, जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई मास्टरमाइंड की, तो और फोटो जारी किया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फोटो जारी करने की धमकी क्यों दी जा रही है। जो संजीव मुखिया है नालंदा के, जो आरोपी है इस मामले में, उनकी पत्नी ममता जो पहले जेडीयू में थी और अब एलजेपी में चुनाव लड़ी थी, वो एलजेपी से उसके बाद वो दूसरे नंबर पर थी, उनका आरोप है कि सियासत से प्रेरित है पूरा मामला क्योंकि वो पिछले बार दूसरे नंबर पर थी, इस बार चुनाव जीत सकती है, इसीलिए मौजूदा स्थानीय विधायक जो है उनकी वजह से साजिशन उनके पति को फंसाया जा रहा है। हालांकि कई लोग ऐसे भी मिले जो ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि इनके साथ जरूर कुछ ऐसा है क्योंकि बहुत पहले से देखा जा रहा है, क्रेटा जैसी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास है, वो आते हैं यहां पे और इनका नाम बहुत पहले से सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार संजीव मुखिया का नाम सामने आया, जो फिर उसके बाद शिक्षक पेपर लीक में उनके बेटे का नाम आया जो बेऊर जेल में फिलहाल बंद है। लेकिन ईओयू बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आज रिपोर्ट सौंपी गई धर्मेंद्र प्रधान को, उसके अलावा जो तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। देवघर जिस 6 लोगों को पकड़ा गया है उनसे भी पूछताछ हो रही है और बकायदा यह कहा जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद कई और लोग हैं जो ईओयू के रडार पर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी पकड़ा जाएगा। नामिका और अनूप, ऐसा लग रहा है कि इस मामले को सुलझाने के बजाय ये मामला और उलझा दिया जा रहा है, इसीलिए सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं तैयारी ये है कि 23 तारीख को फिर से परीक्षा करा ली जाए, जो छात्र लगातार सवाल उठा रहे थे। वापस लौटेंगे अनूप आपके पास और भी